बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपका सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी तमाम नेक दिली ख्वाहिश पूरी करे और आपको तमाम मुसीबतों परेशानियों से दूर रखे। नाज़रीन, आज का हमारा अमल दाने सुलेमानी हासिल करने का मुजरब अमल है। ये अमल हर मतलब के लिए ज़रिया गैबी इमदाद मुफीद और मौसर है। चाहे कि इस अजमियत को जिसके अदाद 1093 हैं, 1093, इसी तदाद से यह अजीमियत 40 रोज तक तरके हवानात के साथ पढ़े और जब 40वां दिन आए तो इस दिन खाली हुजरा में खूब लोबान वगैरह सुलगाए और इस अजीमत को हसब मामूल पढ़े। पढ़ते पढ़ते नागहाँ इसका मुक्कल सफ़राइल जो दाने सुलेमानी का मुहाफिज है, इस अजमियत का ताबिया होकर अच्छी सूरत में जाहिर होगा और सलाम करेगा। चाहिए कि सिवाय सलाम का जवाब देने के और कोई कलाम ना करे जब तक कि 193 मरतबा ये अजीमत की तादाद पूरी ना कर लो और यहाँ तक कि वो खुद कलाम करेगा और पूछेगा कि तेरा क्या मकसद है मुझसे तलब कर। इस सवाल के जवाब में अजीमत की तादाद ख़त्म करने के बाद यही कहे, मेरा मकसद तुम्हारी तख़्सीर है, मुझसे कलमा मुहम्मदी की कसम के साथ ये अहद करो कि जब मैं तुमको तलब करूं फौरन हाजिर होगे। और वो मुक्कल जब ये अहद मुकम्मल हो जाए तो उसको रुख्सत कर दें और इस अजीमत को रोज़ाना 390 बार 390 टाइम अपने विर्द में रखें ताकि अमल कायम रहे। अजमियत ये है अजीब या सफ़राइल बहक्के या समद या कयूम या रब्बो। और अगर एक चिल्ला में मोकल हाजिर ना हो तो तीन चिल्ला तक बराबर हसब ममूल ये अमल पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला तीसरे चिल्ला में ज़रूर मोकल मसर होगा और अहदो पैमान करेगा। बाद में अगर चाहे कि आपको कोई मतलब हो, कोई ज़रूरत पेश आए तो इस मतलब के हल के लिए मुक्कल को बुलाए या दाने सुलेमानी तलब करना हो तो इसका तरीका ये है कि गोशा तन्हाई में खूब लोबान सुलगाओ और गुस्ल करके पाक कपड़े पहने और इस अजीमत को 390 बार पढ़े। जब वो हाजिर हो और सलाम करे तो मुक्कल को सलाम का जवाब देने के बाद आप अपना मतलब बयान करें या दाने सुलेमानी को इसे तलब करें। फौरन उस दाने को लाने के लिए वो मुक्कल गायब हो जाएगा और इसके वापस आने तक आप उसी जगह खड़े रहें या बैठे रहें, उसका इंतज़ार करें यहाँ तक कि वो हाजिर होकर मतलूबा दाना आपके रूबरू पेश करें। और आपको चाहिए कि तज़ीम करें इस दाने की और इसको सर आंखों पर रखें और हैज़ और नफास वाली औरत और जुनूब वाले मर्द की नज़र से पोशीदा रखें। और ये भी ज़रूरी है कि इस दाना को खिलाफ शरा काम के लिए हरगिज़ इस्तेमाल ना करें और ना ही मौकल से तलब करें, क्योंकि ऐसी नीयत से अगर अमल किया गया तो मुक्कल हरगिज़ मुसख़र ना होगा
बल्कि नुकसान पहुँचाएगा। इसके ज़रिए हर जायज़ काम आप ले सकते हैं, जिसका तरीका वो मुक्कल ख़ुद बताएगा। ज़रूरी बात, ये अमल मुजरबात में से है, मगर इसमें तर्क हवानात जलाली ज़रूरी है, जिसकी तशरीह तवील है। बेहतर होगा कि आप लौकी की सब्ज़ी बग़ैर मिर्च के और जौ की रोटी खुद पकाकर खाते रहें, और रोज़ाना पानी दरिया का किसी नमाजी आदमी से मंगा कर रख लें, और इस अमल के अख्ताम तक इसी पानी को पीते रहें। अगर आप मखलूक खुदा और दीन की खिदमत की नीयत से इस अमल को पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ताला एक ही चिल्ले में आपको 100% कामयाबी होगी। अगर आपकी यही नेक नीयत रही, तो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी उम्मीद व ख्याल से ज़्यादा कुदरतन पूरी होंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, कि आप सोचेंगे बाद में और आपकी मतलूबा चीज़ पहले मौजूद होगी। तो नाज़रीन, ऐसे अमल को सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ भी इस्तेमाल ना करें, और इस अमल को नेक दिली के साथ करें, किसी की किस्म की लालच रख के ना करें। जितना हो सके बल्कि खुदा की खिदमत करें, उनके काम आए और दूसरों का बुरा ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।